स्टूडेंट इन द पाथ ऑफ भक्ति इट इज सेड साष्टांग नमस्कार व्हाट इज इट्स मीनिंग साष्टांग नमस्कार बाबा साष्टांग नमस्कार साष्टांग का मतलब है अष्ट अंग साष्टांग मीन्स स अष्ट अंग आठ अंगों सहित नमस्कार मीनिंग टू बाव विद द एट पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या व्हाट जैसे भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना फॉर एग्जाम्पल द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ गॉड वॉज शोन वॉजंट इट तो उस विराट रूप में आठ अंग हैं इन दैट कॉस्मिक फॉर्म देर आर एट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो भक्ति मार्ग के योगी लोग हैं वो शरीर में आठ चक्र भी बताते हैं The yogis of the path of bhakti also speak about the eight chakras, that is wheels in the body. और बाबा ने भी मुख्य पार्टधारी आत्माएं कितनी हैं जो पूर्वज के रूप में पार्ट बजाती हैं? आठ आत्माएं. And Baba has also said how many main actors play a part in the form of the ancestors. There are eight souls. वो आठ आत्माएं आठ धर्मों से कनेक्टेड हैं। Those eight souls are connected with the eight religions. माना विराट पुरुष में ही सारी दुनिया समाई हुई है। Meaning the entire world is merged in the cosmic form itself. ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर आत्मा है। In the same way, there is a soul in every human being. और हर एक आत्मा रूपी स्टार के अंदर एक दुनिया समाई हुई एंड एवरी स्टार लाइक सोल कंटेन्स अ वर्ल्ड इसका मतलब आठ अंगों सहित नमन बुद्धि को झुकाता हूँ इट मीन्स आई बाव द इंटेलेक्ट विद द एट पार्ट्स ऑफ द बॉडी माना आत्मा रूपी बीज के अंदर जो भी दुनिया है 84 जन्म के संसर्ग संपर्क में आने वाली मीनिंग द एंटायर वर्ल्ड दैट द सीड लाइक सोल कंटेन्स ऑल दोस हु कम इन इट्स कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन फॉर द 84 बर्थ्स हर एक आत्मा रूपी स्टार की अपनी दुनिया तो है ना एवरी स्टार लाइक सोल सर्टनली हैज इट्स ओन वर्ल्ड डजंट इट वो सब को अर्पण करता हूँ आई ऑफर ऑल ऑफ देम सरेंडर करता हूँ I surrender them. अकेला खुद नहीं सरेंडर होता हूँ I don't surrender myself alone. सब को अर्पण करता हूँ I offer all of them to you. उसको कहते हैं साष्टांग नमस्कार This is called साष्टांग नमस्कार कोई खुद अर्पण हो जाए और अपने बच्चों को अर्पण न करे और कहे कि तुम विरोध करो तो अर्पण हुआ कहा जाएगा इफ समवन सरेंडर्स हिमसेल्फ एंड डजंट सरेंडर हिज चिल्ड्रन एंड टेल्स देम यू मे स्टैंड इन अपोजिशन विल इट बी सेड दैट ही हैज सरेंडर्ड नहीं कहा जाएगा इट वोंट उनकी दुनिया में जो हाथ जोड़ते हैं नमस्कार करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट इन द लौकिक वर्ल्ड दे जॉइन टू हैंड्स टू ग्रीट समवन What does that mean? एक है दायां हाथ और एक है बायां हाथ बाबा वन इज द राइट हैंड एंड द अदर इज द लेफ्ट हैंड बायां हाथ होता है पत्नी का सूचक दायां हाथ होता है अपना द लेफ्ट हैंड सिंबलाइजेस द वाइफ एंड द राइट हैंड इज वन्स ओन तो दोनों की बुद्ध रूपी हाथ मिल करके रहे सो द इंटेलेक्ट लाइक हैंड ऑफ बोथ शुड लिव इन हार्मनी उसको कहते हैं हाथ जोड़ना दिस इज कॉल्ड जॉइनिंग द हैंड्स क्रिश्चियंस में हाथ मिलाते हैं अमंग द क्रिश्चियंस दे शेक हैंड्स अपना हाथ सामने वाले के दाएं हाथ से मिलाते हैं दे शेक देयर हैंड विद द ऑपोजिट पर्सन्स राइट हैंड अर्थात बुद्धि के जो संस्कार हैं, वो दूसरे से मिले हुए रहे
इट मीन्स द संस्कार्स ऑफ द इंटेलेक्ट शुड बी ऑन गुड टर्म्स विद द अदर पर्सन. आपस में खटपट न हो. देर शुडंट बी अ क्वारल बिटवीन देम. संगमयुग की सूक्ष्म बातों को भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल में उठाई लिया. They have taken the subtle concepts of the confluence age in a physical way. उन्होंने बुद्धूपी हाथ की बात समझाई और भक्तों ने उसे स्थूल हाथों में उठाई लिया. The father explained about the intellect-like hand, and the devotees thought it was about the physical hand.